आपके आवास पे आई, परिजनों से आपकी मुलाकात की है, क्या कहना है? परिजन संतुष्ट हैं प्रशासन की कार्रवाई से? क्या देखिए, प्रशासन की जो कार्रवाई रही है, परिवार की बात छोड़िए, मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूँ। कमलेश तिवारी जी की माता जी के साथ में, बेटे के साथ में और उनकी धर्मपत्नी के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, वो बड़ा दयनीय है, बड़ा दुखद व्यवहार किया गया प्रशासन को। और मुझे तो अफसोस है, ATS गुजरात और महाराष्ट्र की अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम नहीं है। वो दावत में बिजी है, क्या कहूँ मैं, शर्म आती है। दुष्यमन पर मृतक परिवार से एक वादा किया गया था प्रशासन द्वारा, उनको सम्मानजनक सहायता राशि दिलाने का और लखनऊ में आवास दिलाने का कमिटमेंट हुआ था, कमिश्नर साहब से और आईजी साहब ने कमिटमेंट किया था, उसके बाद उनको महज 15 लाख रुपए दिए गए हैं। और प्रशासन के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मैंने एक ही शब्द कहा, मैं भी खुश नहीं हूँ प्रशासन के व्यवहार से, जो इस परिवार के साथ व्यवहार प्रशासन ने किया। अखलाक मारा गया थानादात्री ने, मीडिया को मालूम है ना, पूरे विश्व की मीडिया ने कैसे उछाला। वहाँ कोई हिंदू घुस नहीं सकता था, इस परिवार में जाकर के देखो पीछे टोपी वाले काम कर रहे हैं। ये हिंदुओं की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। मैम आगे जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया फिर भी कह रही है कोई बात नहीं तो काम कर रहा। मैम आगे आपकी रणनीति क्या होगी? परिवार को न्याय मिले और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो गर्दन कलम करने की अफवाह जारी कर रहे थे ना मीडिया के माध्यम से। उस मौलाना को जरूर फांसी मिलनी चाहिए जो बिजनौर का मौलवी कलम करने के लिए 51 लाख दे रहा था। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हम बदल करके कमलेश तिवारी पूरम इसका नाम रखा।